मुख्यालय ढालपुर में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है और अब देवी देवता भी ढालपुर पहुंच चुके हैं। ऐसे में रविवार को देवी देवता भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं और पूरा कुल्लू शहर ढोल नगाड़ों से गूंज उठा है। देवी देवता भगवान रघुनाथ के मंदिर में पहुंचकर उनसे मिलन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बता दें कि माता हिडिम्बा के आगमन से भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा शुरू हुई है, जिसमें अश्व पूजन के साथ साथ अन्य विधि को भी पूरा किया गया। वहीं ढालपुर स्थित अस्थायी शिविरों में पहुंचे देवी देवताओं की सुबह पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद देवताओं का रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ। सुबह 8 बजे से देवताओं का आना शुरू हो गया था, जो दोपहर तक चलता रहा। भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद देवता अस्थायी शिविरों में लौटे। बंजार के देवता श्रृंगा ऋषि, देवता बालूनाग, शियाई के देवता जमदग्नि ऋषि, गर्ग ऋषि सहित सैकड़ों देवताओं ने राजमहल में जाकर देव परंपरा निभाई। वहीं भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ हो चुका है और देवी देवताओं की उपस्थिति में इसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। हमारा प्रथम दिवस है आज। सभी देवी देवता जो कई देवता जो 4 दिन से चल रहे हैं आउट ऑफ श्राद्ध से, कोई 3 दिन से चल रहे हैं, सब आके रघुनाथ जी के यहाँ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और विजयदशमी का उत्सव आरंभ हो चुका है। और सभी को रघुनाथ जी के जो उतारे हुए कपड़े होते हैं वो देंगे और सीता माता को का जो कपड़ा होगा वो सीता माता का जो कपड़ा होगा वो हम देवियों को देंगे। और विशेष जो पूजा होती है अभी वो होगी दशहरे के जो उपलक्ष्य में विशेष पूजा होती है, उसको अभी थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे जब हिडम्बा का आगमन होगा। हिडम्बा का रथ अंदर नहीं आता है क्योंकि वो बाहर से ही अपना आशीर्वाद लेती है रघुनाथ जी के साथ। और हिडम्बा यहाँ पर जो आती है वो राजदादी और दुर्गा के रूप में आती हैं, अन्यथा महाभारत और रामायण का कोई संबंध नहीं है, किंतु वो हमारे राज परिवार की राजदादी हैं और वो आएंगी और उनकी अध्यक्षता में ही दशहरे की पूजा आरंभ होगी, जिसमें विशेष रूप से अश्व पूजन होगा और आपका शस्त्र पूजन होगा और रघुनाथ जी के जितने खाते और जितने रघुनाथ जी के हमारे जो निशान है उन सब के पूजन होगा और विजयदशमी का आरंभ होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज लगभग 2:30 बजे बाद यहाँ से रघुनाथ जी 2:30 और 3 के बीच में चलेंगे और ढालपुर की जो रथ यात्रा है वो मेरे को लगता है कि 4 बजे के आसपास होगी और लगातार 7 दिन तक रघुनाथ जी की आराधना ढालपुर में होगी और सभी देवी देवता अपनी बारी से आएंगे और रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे, मिलेंगे। आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है कि बिजली महादेव जो यहाँ के अधिष्ठात्रा देवता है वो कल सायं को ही आ चुके हैं, क्योंकि राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम और रामेश्वर, ठीक है। और रघुनाथ जी की पालकी के ठीक पीछे जो है हमारे बिजली महादेव की पालकी होगी और इसी प्रकार से ये आप देखेंगे ये अद्भुत मिलन है और अद्भुत दशहरा है जो यहाँ पर आज भी मनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।